हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग ऑफ डायोड फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये है कैसे हम जो डायोड्स हैं, आइडियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो देखते हैं मॉडलिंग ऑफ डायोड, मॉडलिंग ऑफ डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो देखिए दो तरीके से इसका सॉल्यूशन है और कितने तरीके के मेथड आपको, आप जब डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे मिलेंगे, वो मैं सारे कंबाइन कर रहा हूँ इस बार यहाँ पर। सो पहला है एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, यहाँ तक तो पहला है आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल। नाउ फर्स्ट जो है हमारा है एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है, और जो सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड रैपिड एनालिसिस। इसी का जो नाम है, एग्जैक्ट जो नाम है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। ठीक है, याद है ना। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस चीजों को समझाना जो है बहुत आसान होगा, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिएगा, यहां एक सोर्स जो है उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस है दैट इज आर, दैट इज 1 किलो ओम एंड एक डायोड है, दैट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज Vd। ठीक है, यहां तक ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपोनेंशियल मॉडल की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मॉडल को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके हिसाब से मेथड बनेंगे, फिर उनके एडवांटेज ड्रॉबैक बनेंगे, देन उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो मेथड यूज करते हैं वो दैट इज कॉल्ड रैपिड एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। देखिएगा, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डायोड की, जो फॉरवर्ड बायस करंट है दैट इज IF इक्वल्स टू I0 ई की पावर Vd अपॉन NVT माइनस 1। ठीक है ना, इफ द डायोड इज ऑन देन VDD शुड बी ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम एंड ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन। Then Vd, e की पावर Vd अपॉन NVT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, देन दिस टर्म कैन बी निगलेक्टेड। सो द IF इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू E0 e की पावर Vd अपॉन NVT, द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस करंट है, इस फॉरवर्ड बायस करंट को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ, दैट इज IF इक्वल्स टू ID। ठीक है, या तक ना, ये जो है न्यूमेरिकल कॉमन रहेगा, चाहे आप एक्सपोनेंशियल मॉडल पढ़ रहे हैं चाहे आप रैपिड एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक, दैट इज आल्सो कॉल्ड द आईडी। नाउ अब अगर मैं इसमें यहां पर KVL लगाता हूं, KVL अगर लगाता हूं, देन VDD माइनस ID इनटू R माइनस ऑफ VD इक्वल्स टू 0, देन अगर यहां से हम देखें देन ID is equals to VDD minus VD upon R, equation number 2। Now, अगर मैं बात करता हूँ equation 1 और equation 2 की, ठीक है, यहाँ तक अब जरा समझिएगा ध्यान से, equation 1 ये है और equation 2 ये है। Now, here the I0, VDD, R given। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको given है, देखिए VDD is given, R is given and I0, the reverse saturation current is also given. Then we have two equation and two unknown. We have two equation and two unknown. Two unknown are what? Vd, ID. क्लियर है, यहाँ तक पक्की बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं एक्सपोनेंशियल मॉडल को पढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या है, आईडी और
आईडी की टर्म्स में दो इक्वेशन है, आईडी की दो इक्वेशन है, तो यहां पर आई नॉट वी डी डी दैट इज दिस सप्लाई वोल्टेज, आर की वैल्यू जो है गिवन है, तीनों पैरामीटर गिवन है, देन वी हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन, टू अननोन आर व्हाट वी डी एंड आई डी, क्लियर है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वी डी एंड आई डी डी, नाउ एक्सपोनेंशियल मॉडल में, एक्सपोनेंशियल मॉडल में इस वी डी और आई डी को सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड है, मेरे पास कितने मेथड हैं, दो मेथड हैं, उन दो मेथड को मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या उन कौन से मेथड हैं। दिस एक्सपोनेंशियल मॉडल, दिस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मॉडल, नाउ कैन वी सॉल्व बाय, अगर मुझे एक्सपोनेंशियल मॉडल में मुझे वी डी और आई डी को सॉल्व करना है, देन वी हैव टू मेथड, द टू मेथड इज व्हाट, फर्स्ट इज कॉल्ड ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल मेथड, ठीक है यहां तक ए पार्ट, देन वी हैव इटरेटिव मेथड, ठीक है यहां तक। अब ग्राफिकल और इटरेटिव मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए देन यू कैन आस्क, क्लियर है, बट आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ टू सॉल्व दिस एक्सपोनेंशियल मॉडल बाई यूजिंग द ग्राफिकल एज वेल एज द इटरेटिव मेथड, ठीक है यहां तक। सो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल मॉडल का पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्राफिकल मेथड, कैसे हम वीडी और आईडी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मैं ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा, फिर मैं इटरेटिव मेथड समझाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन द रैपिड एनालिसिस, फिर मैं उसका क्या दूंगा, समरी दूंगा। बात समझ में आ गई है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपका ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द वीडी एंड आईडी, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड एंड द डायोड फॉरवर्ड बायस करंट। सो सबसे पहला जो ए मेथड है एक्सपोनेंशियल मॉडल में, हम पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैं बात करता हूं, सबसे पहले मेरे पास एक इक्वेशन है, दैट इज आई एफ और आई डी इक्वस टू आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन एन वी डी, इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास आई डी इक्वस टू वी डी डी माइनस वी डी अपॉन आर, ठीक है। तो क्या करते हैं जरा समझिए, इन दिस मेथड both equations are plotted on IV plane or curve, ठीक है, then the intersection point of both curve will give the operating point that is Q, which is the solution of both equation, that means what, the VD and ID, ठीक है आता। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में मैं जो पहली इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है करंट और वोल्टेज के बीच में, उसको ड्रॉ करता हूं, फिर मेरे पास जो है आई डी इक्वल टू वी डी डी माइनस आर, ये एक मेरे पास एक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दोनों को ड्रॉ करते हैं, जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट या कंसिस्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी पॉइंट ऑल्सो, क्लियर है। उन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आईडी, उन दोनों पॉइंट्स के जो उस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको आई और वोल्टेज के लिए मिलेगा, दैट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ड्रॉ करता हूं पहले मैं, अच्छा पहले मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो सबसे पहले जो है मैं एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ को जो है ड्रॉ करता हूं आई बी प्लेन पर, ठीक है। सो ये रही आपकी एक एक्सपोनेंशियल, दैट इज कॉल्ड डायोड कर्व, then representing the equation number वन, ठीक है यहां। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, आपके पास y इक्वल टू एम एक्स रिलेशन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जो इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। नाउ y इक्वल टू मुझे चाहिए एम एक्स प्लस माइनस सी, सो मुझे चाहिए यहां पर आई डी, दैट इज आई डी, आई डी इक्वल टू मेरे पास है वी डी डी माइनस वी डी अपॉन आर, तो इसको सही से लिखते हैं वी डी डी
अपॉन आर माइनस वी डी अपॉन आर। क्लियर है? अब मुझे चाहिए आईडी और वीडी के ग्राफ। मुझे किसके बीच में चाहिए? आईडी और वीडी के लिए ग्राफ चाहिए। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं? वाई इक्व टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। सो आईडी इक्व टू, मुझे चाहिए एम, एम इज माइनस वन बाई आर अपॉन वीडी प्लस जो स्लोप है दर्जे, ये क्या आएगा हमारा वीडीडी अपॉन आर। ये इक्वेशन हो गई, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है यहां तक? अब इस इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस एक्सिस पर वोल्टेज जीरो है, जब वोल्टेज जीरो होगा देन आईडी की वैल्यू क्या होगी? वीडीडी अपॉन आर। सो दिस पॉइंट इज नोन एज योर वीडीडी अपॉन आर। इस एक्सिस पे क्या है, अगर मैं बात करता हूं इस एक्सिस पे जो है करंट, वोल्टेज जीरो है बट जो करंट की वैल्यू ये रही। ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूं आईडी की वैल्यू जीरो कर देता हूं, आईडी की वैल्यू जीरो करता हूं, देन द आंसर इज वीडी इक्वल्स टू वीडीडी, देन इट इज वीडी। ठीक है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी बोलो। ठीक है, नाउ दिस इज योर द लोड लाइन, दिस इज योर लोड लाइन, सो इट इज योर लोड लाइन विद स्लोप माइनस वन बाई आर। ठीक है, दैट इज योर स्लोप माइनस वन बाई आर। नाउ द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट द करंट, दिस इज योर करंट, दैट गिव्स यू आई डी एंड इट गिव्स यू द वी डी। ठीक है, सो योर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन अदर क्यू पॉइंट दैट गिव्स यू द वीडी कॉमा आईडी, दैट इज कॉल्ड योर ग्राफिकल मेथड। नाउ जो ग्राफिकल मेथड है उसकी खास बात क्या है? ग्राफिकल मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, बट द ड्रॉबैक इज व्हाट? इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? सो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? सबसे पहले आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना है, देन आपको स्लोप लाइन जो लोड लाइन है वो ड्रॉ करनी है, देन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, देन आपको आईडी और वीडी को मेजर करना है, दैट इज योर सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? वो कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे जब मैं कंपैरिजन में समरी बताऊंगा तो मैं हमारा डिस्कस कर दूंगा, लिखवा भी दूंगा, बट आपको ये ग्राफिकल जो मेथड है कि जो एक्सपोनेंशियल मॉडल का ग्राफिकल मेथड है आईडी और वीडी को सॉल्व करने का, वो क्लियर हो गया है, ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आपका जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड सॉल्व करने का आईडी और वीडी को। जो इटरेटिव मेथड है उसमें क्या करते हैं, इटरेटिव मेथड में इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेड स्टार्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो वीडी है वो 0.7 वोल्ट है। पहले हमने वीडी को 0.7 वोल्ट ही, अगर स्टेप्स को मैं समझाऊं, फिर हमने इसी वैल्यू से आईडी की वैल्यू निकाली 4.3 मिली एम्पीयर, देन हम नेक्स्ट वीडी को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपको इक्वेशन याद हो, अगर हमारी आईडी बराबर है आई नॉट e की पावर vd अपॉन एन वी टी, देन आई डी अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू e की पावर vd अपॉन एन वी टी, देन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, देन vd अपॉन एन वी टी दैट इज इक्वल्स टू ln id अपॉन आई नॉट, देन vd इक्वल्स टू व्हाट, एन वी टी ln id अपॉन आई नॉट। ठीक है यहाँ तक? अब करते क्या है, पहले मैंने वोल्टेज को अज्यूम किया कि ये है, इसका फ्लैट स्टार्ट लिया, इससे आई डी निकाला, इस आई डी से फिर वी डी निकाला, फिर वी डी से आई डी निकाला, फिर आई डी से वी डी निकाला। नाउ व्हेन वैल्यूज में जो है, अगर हम ऐसे इटरेटिव इटरेशन करते जाएंगे, हिट एंड ट्रायल करते जाएंगे, अगर वैल्यूज में है चार पांच स्टेप्स के बाद बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है, देन वी आर सेइंग दैट योर इक्वेशंस आर कन्वर्जिंग, दैट मीन सॉल्यूशन आर ऑब्टेनिंग। क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रही है? सो इटरेटिव मेथड में सिंपल क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक आप एक इनिशियल गैस लीजिए, इनिशियल गैस लेने के बाद आप वैल्यूज को अपडेट करिए, और वैल्यूज में अगर डिफरेंस जो है, जो एरर है वो बहुत कम आ रही है, देन यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। क्लियर है यहां तक? तो ग्राफिकल मेथड और इटरेटिव मेथड मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब मैं अगर बात करता हूं जो हमारा सेकंड मेथड था, दैट इज रैपिड एनालिसिस और कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, सेकंड कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। तो सिंपल मैं बताऊं करते क्या है, इस मॉडल में, इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड
इन दिस मेथड वी अज्यूम दैट डायोड फॉरवर्ड कंडक्टिंग वोल्टेज दैट इज हियर इट इज वी डी दैट इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी गामा इज 0.7 वोल्ट इट इज फिक्स वी हम इन दिस मेथड वी जस्ट फिक्स द वी डी दैट इज 0.7 वोल्ट क्लियर है तब हम इस डायोड को अगर मैं डायग्राम बनाता हूं देन दिस डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जस्ट ए सिंपल बैटरी दैट इज वीडी प्लस माइनस क्लियर है देन अगर आप इस डायोड को अगर ये आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक देन दिस डायोड कैरेक्टरिस्टिक बिकम्स लाइक दैट दिस इज 0.7 वोल्ट इट इज जस्ट 0.7 वोल्ट आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक ठीक है यहां तक सो जो कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है उसमें हम क्या करते हैं जो फॉरवर्ड ड्रॉप है डायोड के अक्रॉस या जो कट इन वोल्टेज है उसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक आइडियल बैटरी भी हो सकती है और एक ये प्रैक्टिकल बैटरी हो सकती है जो कि हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ठीक है यहां तक तो अगर ऐसा है तब अगर हम देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा आईडी बराबर क्या था वीडीडी माइनस वीडी अपॉन आर देन वीडीडी की वैल्यू कितनी 5 और आपने वीडी को जो क्या कर दिया है 0.7 वोल्ट फिक्स कर दिया देन आर इज 1 किलो ओम देन आंसर इज 4.3 मिली एम्पियर डन है यहां तक सो यहां पर आप समझ के आ रहे हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है वहां पर एक वीडी को देने से वीडी को प्रोवाइड कराने से जो अननोन है दो इक्वेशन दो अननोन थे उसमें जो अननोन था वो क्या रह गया एक रह गया और जो आपका सोल्यूशन है बहुत इजी तरीके से आ गया क्लियर है और जो इक्वेशन थी एक्सपोनेंशियल थी या लॉगरिथमिक फॉर्म की थी वो क्या आ गई सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस में आ गई सो इट इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज वेरी वेरी फास्ट मेथड टू सॉल्व योर डायोड प्रॉब्लम सो इन जनरल हम बुक्स में जब पढ़ते हैं तो यही मेथड पढ़ते हैं क्योंकि ये मेथड जो है बड़ा सिंपल है क्योंकि अप्लाई करने में बहुत ईजी इक्वेशन एल्जेब्रिक है और रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है बट एक ही ड्रॉबैक है इक्वेशन जो सोल्यूशन है बट लेस प्रिसाइज दैट इज एक्यूरेसी जो है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस मेथड है अगर मैं बात करूँ ग्राफिकल मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है इटरेटिव उनसे कम और जो सबसे कम एक्यूरेट है वो कौन सा है कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि यहाँ पर आपने अज्यूम किया हुआ है अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है कि जो डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कट इन वोल्टेज दैट इज वेरिंग फ्रॉम 6.2, 0.6 to 0.8 एंड यू जस्ट अज्यूम इट इज 0.7 वोल्ट ठीक है यहां तक अब क्या करते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा है इसको मैं चार्ट की फॉर्म में समराइज कर देता हूं जिससे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसी चीज को फॉलो करेंगे तो स्टार्ट करते हैं समरी जो अभी तक हमने पढ़ा है अगर हम देखते हैं दोनों मेथड क्या थे डायोड की जो मॉडलिंग थी उसमें क्या था एक हमारा मेथड था दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मेथड अब इस एक्सपोनेंशियल मेथड में दो पार्ट थे एक था आपका ग्राफिकल मेथड और जो दूसरा था दैट इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड ठीक है अगर मैं दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता हूं तो क्या देखिए एडवांटेज क्या है इसका पहले तो एडवांटेज इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ठीक है देन सेकेंड वन अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करता हूं ड्रॉबैक थोड़ा क्या है कॉम्प्लेक्स है इसको सॉल्व करना क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टाइम टेकिंग प्रोसेस है इटरेटिव मेथड के एडवांटेज की बात करता हूं एडवांटेज रिजल्ट आर एक्यूरेट बट लेस देन दिस ग्राफिकल मेथड देन ड्रॉबैक क्या है ड्रॉबैक टाइम टेकन प्रोसेस ठीक है यहां तक ये तो हुआ हमारा पहला मेथड दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मेथड बट इन जनरल वी डोंट प्रेफर ऑल दिस मेथड While solving the analog problems of diode, we cannot use this method. ठीक है तो हम लोग use कौन सा method करते हैं that is called constant voltage drop model. ठीक है यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है अब इस method में जो हम लोग करते हैं पहले बात तो मैं advantage समझा देता हूँ
और डिसएडवांटेज, फिर मैं इसको मैथमेटिकल चीजें बताता हूँ। एडवांटेज क्या है, सिंपल टू यूज, सिंपल टू यूज। देन सेकंड एडवांटेज इज व्हाट, क्विक रिस्पांस, क्विक रिस्पांस, दैट इज टाइम टू सॉल्व दिस मेथड इज वेरी वेरी लेस। नाउ ओनली द ड्रॉबैक इज व्हाट, ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज व्हाट, इट इज लेस प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज, दैट मीन्स लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए देन यू हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम, बट यू हैव टू, यू आर गेटिंग लेस प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट रिजल्ट देन यू आर गेटिंग द फास्टर रिजल्ट। ठीक है, तो सिर्फ यहां पर अगर बात करते हैं इसको फास्टर रिजल्ट भी ले सकते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे अब आपके। अब जो कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है उसको मैं कैसे यूज करता हूं डायोड को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखिएगा ये रहा आपका डायोड। अब डायोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट चाहिए कि लास्ट फाइनल जो फिल्टर आउट वर्जन है वो क्या है, यही आपका फिल्टर आउट वर्जन है डायोड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, डायोड के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो क्या है। देखिए पहली चीज जो डायोड है, पहला है आइडियल, पहला क्या है आइडियल, फिर दूसरा क्या है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, ना अगर जब डायोड आइडियल है, जब डायोड कैसा है आइडियल है, तो जो कट इन वोल्टेज है वीडी या वी नॉट या वी गामा उसको आप लेंगे जीरो वोल्ट। जब आप इसको जीरो वोल्ट लेंगे तब आईडी बराबर क्या हो जाएगा, वीडीडी माइनस वीडी था दैट इज जीरो अपॉन आर, ये तो हो जाएगा। अगर यहां से आप आंसर देखें आईडी बराबर क्या होगा, आईडी बराबर फाइव अपॉन वन के, दैट इज आईडी इक्वल्स टू फाइव मिली एम्पियर। ये तो रही आइडियल डायोड की पिक्चर। ठीक है यहां तक, अगर हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो है आइडियल बैटरी, आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल, और दूसरा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मॉडल। ठीक है, दैट मींस जो हमने कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल लिया है इसमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल भी है और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मॉडल। दैट मींस जब डायोड ऑन होगा तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन सिस्टम, या इसको ऐसे भी ऑन कर सकते, इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज योर सेकेंड वे, आर एफ वी डी। ठीक है, अब अगर मैं दोनों मॉडल के लिए इक्वेशन लिखता हूं तो देखिए क्या हो, इसके लिए आई डी बराबर होगा वी डी डी माइनस वी डी अपॉन आर। ठीक है यहां तक, अगर यहां इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं आई डी इक्वल्स टू वी डी डी माइनस वी डी अपॉन आर प्लस आर एफ। ठीक है यहां तक, अब हमारे पास इतना डेटा था तो ये 5 माइनस 0.7 अपॉन आर दैट इज 1 के, सो इट इज 4.3 मिली एम्पियर। ठीक है यहां तक, सो जो डायोड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक है, या तो आपको डायोड आइडियल लेना है या डायोड प्रैक्टिकल लेना है। प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा कि आपके पास डेटा क्या दे रखा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल का डेटा दे रखा है या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मॉडल का डेटा दे रखा है, उस तरीके से आप डायोड की प्रॉब्लम्स को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं समरी भी बताऊं, यहां पर क्या था एक्सपोनेंशियल मॉडल में, एक्सपोनेंशियल मॉडल में वापस आते हैं, यहां हमारे पास एक इक्वेशन थी आई एफ दैट इज आई डी इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन एन वी डी, यही तो थी मेरे पास इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू क्या थी मेरे पास, आई डी इक्वल्स टू वी डी डी माइनस वी डी अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड थी मेरे पास। सो यहां पर क्या था, टू इक्वेशन थी, इक्वेशन कितनी थी, टू इक्वेशन थी और अननोन भी कितने थे, दो थे मेरे पास। ठीक है, सो दो इक्वेशन, दो अननोन, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट मेथड, एक ग्राफिकल मेथड और एक इटरेटिव। बट इस कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में क्या करते हैं, हम वीडी को बता देते हैं, वीडी को गिवन कर देते हैं, गिवन कर देते हैं, देन आईडी क्या रह जाता है, अननोन रह जाता है, अननोन रह जाता है। ठीक है, सो जो अननोन वेरिएबल है वो एक हो गया, यहां पर अननोन वेरिएबल कितना था, दो था, यहां अननोन कितना रह गया, सिंगल रह गया। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, कि जस्ट बाय अजम्पशन कि हम प्रैक्टिकली जो वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस कट इन वोल्टेज वो इतना ही वेरी करता है, इसको गिव इन कर देंगे, दे बता देंगे, तब जो रेस्ट ऑफ थिंग्स हैं वो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, जो इक्वेशन जो एल्जेब्रिक हो जाएंगी एज कंपेयर टू योर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक, सो डायोड की जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है उसकी मॉडलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक दो न्यूमेरिकल जो है अलग से देख लेते हैं, फिर और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं आपके न्यूमेरिकल पार्ट।